हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ सिरुपा। डेली इंस्पिरेशन चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिव थिंकिंग से हो तो सफलता को कोई नहीं रोक सकता। बहुत दिनों से मन था ठाकुर जी के लिए एक फूल बंगला बनाऊं अपनी हाथों से, तो आज बना ही लिया। दोस्तों, कैसा लगा फूल बंगला कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्मदिन। भगवान विष्णु ने धरती को पापियों से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मथुरा नगरी के राजा अत्याचारी कंस को वध करने के लिए ही श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म भद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म को हम सभी जन्माष्टमी पर्व को नाम से जानते हैं। महाभारत में अर्जुन को गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने ही दिया था, और भगवद गीता आज के युग में भी समाज का मार्गदर्शन करती है। भगवान श्री कृष्ण को श्याम, केशव, वासुदेव, कन्हैया आदि अनेक नामों से पूजा जाता है। सेवेंथ अगस्त नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने पूजा किया। हर साल की तरह मेरी हस्बैंड ही पूजा किया है। जितना हो सके उस हिसाब से मन में भक्ति लेके ही कृष्ण जी का पूजा किया है। कोलकाता में जब थी तब अपने हाथों से बहुत कुछ बना के भोग देती थी, लेकिन बेंगलोर में जब से आई हूँ तब से फल मिठाई के साथ पूजा करती हूँ, क्योंकि भगवान के लिए अलग से सेटअप अभी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आशा करती हूँ कि आने वाले सालों में भगवान की कृपा हो तो कोलकाता जैसा पूजा कर पाऊँ। मन में भक्ति और श्रद्धा होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से पूजा किया। लड्डू गोपाल का जन्मदिन है और केक कटिंग नहीं होगा तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, बच्चे हैं। इसलिए इवनिंग में लड्डू गोपाल के लिए एक वेज केक लाई हूँ। फिर पूजा करके, केक कटिंग करके हम सभी ने बहुत ही एंजॉय किया, और बच्चों ने तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 अगस्त
गोपाल को कुछ इस तरह से सजाया था, ड्रेस के साथ मैचिंग मुकुट। कितना सुंदर लग रहा है मेरा लड्डू गोपाल, है ना? तो कुछ इस तरह से मनाया मैंने जन्माष्टमी, बहुत मज़ा किया हम सब ने मिलके। तो कैसा लगा मेरा ये छोटू सा क्यूट सा वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।